दर्जन गांव के ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम। स्टाफ के अभाव में धरना, आपदा स्वास्थ्य केंद्र पर तालाबंदी के हालात। गर्भवती महिलाओं से लेकर घायलों को प्राथमिक उपचार तक नसीब नहीं होता। सरकार ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बना दिए हैं, लेकिन पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई है। यही कारण है कि आज तक ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित बने हुए हैं। ऐसा एक उदाहरण राधोगढ़ जनपद पंचायत के धरनावदा का है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ ना तो डॉक्टर हैं और ना ही अन्य स्टाफ। यही कारण है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर अधिकांश समय ताला ही लगा रहता है। गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। धरनावदा सहित आसपास से एक दर्जन गांव के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का जिम्मा संभालने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीनी हकीकत यह है कि यहां ना तो गर्भवती महिलाओं का प्राथमिक चेकअप हो पाता है और ना ही घायलों को प्राथमिक उपचार मिल पाता है। स्थिति यह है कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए 12 किलोमीटर दूर रुठियाई स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहुंचने में भी रुठियाई का रेलवे फाटक अधिकांश समय बंद ही मिलता है। शासन ने गांव में सरकारी अस्पताल तो खोल दिया है, भवन भी बना दिया है, लेकिन यहां स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं की है। हमेशा अस्पताल पर ताला लटका रहता है, जिससे एक दर्जन गांव के लोग परेशान हैं। एक ANM है एवं गांव में टीकाकरण के लिए घूमती रहती है। गांव में यदि किसी को बुखार आ जाए या कोई दुर्घटना में घायल हो जाए तो उसकी मलम पट्टी तक नहीं हो पाती। कुत्ते काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। सरकारी योजनाओं द्वारा मिलने वाले पैसे के लिए प्रमाणीकरण AM से बनवाना पड़ता है, लेकिन वह भी नहीं मिलती। हाँ, ये बात सही है कि धरनावदा स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ANM है। एक दर्जन गांव में टीकाकरण कार्य में व्यस्त रहती है। जहाँ तक स्टाफ का सवाल है तो शासन ने 7 साल में नई भर्तियाँ नहीं की हैं। हम आला अधिकारियों को लिखकर सूचित कर चुके हैं।